गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कैबेज का कोफ्ता। ये है कैबेज, इसको हम फाइनली चॉप कर लिए हैं। इसके बाद इसको इसमें हम मिलाएंगे धनिया का पाउडर, थोड़ी सी मिलाना अच्छी तरह, थोड़ी सी धनिया का पाउडर, थोड़ी सी जीरा का पाउडर। ये है रेडीमेड जीरा धनिया के पाउडर, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। ये है नमक, ये है हल्दी, ये है मिर्ची पाउडर, इसको हम पूरे एक चम्मच। ये है ऑनियन गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट, इसको भी हम फाइनली चॉप कर लिए हैं। इसके बाद उसमें ये कैबेज में हम इस मसाले को डाल देंगे। अभी हम इसमें बेसन डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके बेसन डालेंगे और उसको मिलाते जाएंगे। ये देखिए हम इसको मिला रहे हैं अच्छी तरह, ये देखिए। और थोड़ी सी ज़रूरत है पानी, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो कैबेज में पानी है उससे ही ये मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह मिल जाएगा। ये देखिए हम ये मिल चुकी है। अभी हम इसको एक शेप दे देंगे, गोल गोल आकार का शेप दे देंगे, जिस तरह कोफ्ता होता है। ये देखिए कोफ्ता भी हम बना। इसमें हम एक एक करके इस कोफ्ते को फ्राई करेंगे। ये देखिए गोल्डन कलर होने तक इसको हम फ्राई करेंगे, धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। जो कैबेज है वो अंदर तक पक जाए तो खाने में बहुत यम्मी बनता है। ये देखिए ये पक गई है, इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। ये और एक वो हो चुकी है। एक एक करके इस तरह सभी हम कोफ्ते को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, उलट पुलट करके चारों तरफ घुमा कर उसको हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर होने तक उसको हम अच्छी तरह फ्राई करके सभी कोफ्ते को हम एक प्लेट में डाल देंगे। ये देखिए हम देख रहे हैं कि कोफ्ते हुए या नहीं हुए। ये देखिए हम इसमें सब कोफ्ते को डाल दिए, बहुत यम्मी और टम्पटिंग दिख रहा है। हम अभी करी बनाएंगे, तेल डाल दिए हैं, तेज़पत्ता, करी मसाला, तो हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अभी जीरा डाल देंगे, जीरा को भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद ऑनियन का पेस्ट, उसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे, पेस्ट डालकर उसको फ्राई करेंगे गोल्डन कलर होने तक। उसको हम थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसको हम गार्लिक का पेस्ट डाल रहे हैं, इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये है जिंजर का पेस्ट, इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ये मिक्स होने तक, वो गोल्डन कलर होने तक उसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हो चुकी है। अभी हम इसमें धनिया एंड जीरा का पेस्ट भी डाल दिए हैं, डालकर अच्छी तरह हम मिला लेंगे। अभी हम नमक डाल रहे हैं, इस तरह मसाले भी डाल देंगे। ये है नमक, ये हल्दी और ये मिर्ची का पाउडर, इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देखिए मसालों में फ्राई हो चुकी है, तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छी तरह उसको फ्राई करेंगे धीमी आंच पे थोड़ी देर रुक के। ये हम चिकन मसाला डाल रहे हैं, ये देखिए बहुत कलरफुल दिख रहा है ये मसाले। तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाले फ्राई हो चुकी है। इसके बाद इसमें हम दो टमाटो प्यूरी अच्छी तरह ग्राइंड करके हम इसमें अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए हम टमाटर भी डाल दिए, ये भी फ्राई हो चुकी है। ये आँच में थोड़ी देर रुक कर सवर करके अच्छी तरह उसको फ्राई करना। जितना मसाला अच्छी तरह फ्राई होगी करी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। ये भी हम इस कैबेज की पकौड़ा जो बोलते हैं उसको हम डाल देंगे और अच्छी तरह इस मसालों के साथ उसको हम फ्राई कर लेंगे, मिला लेंगे। अभी हम इसमें गर्म पानी
को डाल रहे हैं। थोड़ी डालना, थोड़ी नहीं, आपके हिसाब से आप डालना जितना आप इसमें ग्रेवी चाहिए। तो डालने के बाद हम थोड़ी ही डाले थे, डाल के इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाकर इसको हम थोड़ी देर होने देंगे। हम ढक लिए थे, ये देखिए उबलना शुरू कर दिया है करी में। तो हम देखिए बहुत सुंदर दिख रही है ना। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को हम गरम मसाला भी डाल देंगे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय। ये देखिए बहुत सुंदर दिख रही है ना, यम्मी।